हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके नॉलेज चैनल। मैं प्रेम सर फ्रॉम आरके क्लासेस। आप नाइन्थ स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स 2 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हिंदी में पृष्ठफल और घनफल। 9.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है क्यूबॉइड शेप बॉक्स, मतलब हिंदी में घनाभ। घनाभ में जो गिवन वैल्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, ये सबसे छोटा वाला b कहलाता है, उससे बड़ा वाला l, नीचे l और b होते हैं, और जो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है वो h होता है। तो इस क्वेश्चन में l b h हमें कितना कितना दिया गया है वो चेक कीजिए। L दिया हुआ है लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया हुआ है। अब इन लोगों ने जो एलिमेंट्स पूछा है वो फाइंड आउट करते हैं। दे आर आस्किंग वर्टिकल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो फर्स्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल, मराठी में होता है उभे पृष्ठफल। फॉर्मूला देखा जाए, वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए, 2h इंटू ब्रैकेट l प्लस b। 2 h कितना है 10, ब्रैकेट l कितना है 20, प्लस b कितना है 12। सॉल्व इट, फाइनली 20 एंड दिस इज 32 मल्टीप्लाई 640। स्टूडेंट्स ये पृष्ठफल है, पृष्ठफल या क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर लगाकर लिखा जाता है, मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ घनफल अगर रहेगा, घनफल मीन्स वॉल्यूम रहेगा, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और अगर पृष्ठफल या क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर, ठीक है, मीन्स एरिया या सरफेस एरिया के लिए स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, नेक्स्ट पार्ट इन लोगों ने पूछा है टोटल सरफेस एरिया। So let's check total surface area. Second point, total surface area means संपूर्ण पृष्ठफल। मराठीत एकूण पृष्ठफल, फॉर्मुला चेक कीजिए, 2 इंटू ब्रैकेट एलबी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये फॉर्मूला है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 इंटू ब्रैकेट एल 20 बी 12 अगेन बी 12 एच 10 एल 20 एंड एच 10। सॉल्व कीजिए, पहले मल्टीप्लाई करने होंगे हमें, तो ये मल्टीप्लाई करके 240, ये मल्टीप्लाई कीजिए 120, ये मल्टीप्लाई कीजिए 200। नाउ 2 अभी ने प्लस करना होगा, सो 0 2 एंड 4 6 3 एंड 2 5, इसका डबल बताइए स्टूडेंट्स, 1120। ये भी क्या है, पृष्ठफल, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू में हमें फिर से क्यूबॉइड ही कहा गया है। स्टूडेंट क्यूबॉइड बनाना आसान है, पहले आप एक रेक्टेंगल बनाइए, आयत, फिर से एक रेक्टेंगल बनाइए, अब सभी कॉर्नर पॉइंट्स ज्वाइंट कर दीजिए, ये हो गया आपका क्यूबॉइड, ठीक है। तो
तो क्वेश्चन में हमें कीवर्ड दिया गया है जिसे हम हिंदी में कहेंगे घनाभ, मराठी में कहा जाता है इसे स्पिकाचिती। स्पिकाचिती स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन से वैल्यू है हमारे पास। एल बी एच यहां पर हमें लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ एल, एल हमें फाइंड आउट करना है। बी दिया हुआ है 6 यूनिट, बी दिया हुआ है 6 यूनिट, एल हमें फाइंड आउट करना है और एच दिया हुआ है 5 यूनिट्स। इसके बाद हमें एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इन लोगों ने कहा टोटल सरफेस एरिया इज 500, मतलब संपूर्ण पृष्ठफल 500 है। तो यहां पर लिखा जाए टोटल सरफेस एरिया मींस संपूर्ण पृष्ठफल हमें दिया गया है 500 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब वर्ग इकाई। चलिए अब यहां फॉर्मूला लगा दीजिए, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है 2 × LB + BH + LH = 500। अब यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो लास्ट में सिर्फ यूनिट लिखा जाएगा। 2 बताइए, L तो फाइंड करना है, B 6, H कितना है 5, L तो फाइंड करना है, H कितना है 5 here 500। 2 × 6L + 30 + 5, बताइए 2 × 6 और 5 कितना 11L + 30 = 500। अब बताइए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 से वहां डिवाइड कर दीजिए, आपकी मर्जी। तो क्या किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए 2 × 11 = 22L, 2 × 30 = 60 = 500। अब ये 60 इस साइड आकर माइनस होगा, तो देखिए 22L = 500 - 60 + 60 इस साइड आकर माइनस हो गया, 22L = 440, मींस L = 440/22, 22 का डबल है 44 और एक 0, मींस L हमें मिला 20, करेक्ट। तो फाइनली हम आंसर लिख देंगे, देयरफोर लेंथ मींस लंबाई = 20 यूनिट्स, यूनिट में दिया है तो यहां पे यूनिट्स लिख देंगे, इकाई, ठीक है, इकाई लंबाई 20 इकाई है, लेंथ इज 20 यूनिट्स। ओके फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्यूब के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स क्यूब आप कैसे ड्रॉ करेंगे, क्यूब के लिए आपको एक स्क्वायर बनाना होगा, सब साइड सेम, बीचों बीच में सेंटर पर रखिए पॉइंट और फिर से उतना ही बड़ा स्क्वायर बनाइए। अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट कीजिए, ये हुआ क्यूब। क्यूब में सिर्फ एक ही चीज होता है L, ये भी L होता है, ये भी L होता है और ये भी L होता है, क्योंकि सब साइड क्या होती है यहां पर सेम साइज की होती है, आपने बनाया ही है सब सेम, तो यहां L ही होता है सिर्फ, जिसे हम लेंथ कहते हैं, लंबाई। तो चलिए यहां पर हेडिंग दिया जाए क्यूब, हमने क्यूब फिगर बनाया है, हिंदी में समघन, समघन।
ओके स्टूडेंट्स, चेक करते हैं क्या वैल्यूज दिए गए हैं। हमें सिर्फ एल का वैल्यू बताया है 4.5, एल वैल्यू इज गिवन टू अस 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में दो वैल्यूज कहा गया है फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट वैल्यू में चाहिए वर्टिकल सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब जो खड़े पार्ट है, खड़े पार्ट कितने होते हैं? चार, दो ऐसे, तो चार खड़े पार्ट है। तो यहां पर हिंदी में ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल फॉर्मूला है 4L2। L है हमारे पास 4.5, बताइए स्टूडेंट स्क्वायर 0.5, तो इसका स्क्वायर करके देखेंगे आप तो 20.25 आएगा। 20.25 पॉइंट एक डिजिट के पहले था, दो डिजिट के पहले हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 20, 4 2 8, 8 and 2 10, 10 पूरा लिख दीजिए, 4 2 8, दो डिजिट के पहले पॉइंट मीन्स 81। ये भी क्या है आपका सरफेस एरिया है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब इसका सेकेंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखा जाए। इन लोगों ने कहा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल के लिए फॉर्मूला है 6L2। सेम ऐसे ही वैल्यू रखिए, 6 एल का वैल्यू 4.5, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर 6 × 2, बताइए 20.25। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 30, 3 6 2 12, 12 3 15, पूरा लिख देते हैं जीरो है तो 6 2 12, पॉइंट दो डिजिट के पहले मतलब 1 2, दो डिजिट के पहले यहां पर आएगा। पॉइंट के बाद जो जीरो है वो हटा सकते हैं। 121.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी पृष्ठफल है, सरफेस एरिया, एरिया वर्ड आया तो हमें स्क्वायर ही लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने थर्ड क्वेश्चन भी खत्म किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से ये लोग क्यूब के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो देखिए क्यूब कैसे बनाया गया था लास्ट टाइम, एक स्क्वायर, फिर सेंटर पर पॉइंट लीजिए, फिर से एक स्क्वायर बनाइए, सारे कॉर्नर पॉइंट्स मींस वर्टाइसेस ज्वाइंट कीजिए, शीर्ष बिंदु ज्वाइंट कीजिए, ये बन गया आपका क्यूब। क्यूब अर्थात हिंदी में संघन। स्टूडेंट्स, इसमें हमें दिया गया है टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, पहले इसके हेल्प से हम एल फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आगे एक क्वेश्चन पूछा है उसे फाइंड कर सकेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताइए, क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6L2, जिसमें आप आगे सॉल्व करके देखिए, 6 इस साइड आकर डिवाइड कर देगा, नेक्स्ट स्टेप में ना, हाँ नेक्स्ट स्टेप में 6 इस साइड आकर डिवाइड करेगा। सो L2 इज इक्वल टू 6 9 54 और 20। अब इसका स्क्वायर रूट लीजिए, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर गायब, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 00 का स्क्वायर रूट 0। तो इस तरह से L मिल गया। L मिलने के बाद सेकेंडली इन लोगों ने वर्टिकल सरफेस एरिया पूछा है, तो अब हम वर्टिकल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल, ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल फॉर्मूला है इसका, ऊर्ध्वाधर में सिर्फ खड़े, तो खड़े पृष्ठ कितने हैं इसके अंदर 4, तो 4L2 लगता है फॉर्मूला, 4
एल हमने ढूंढ निकाला है 30, 30, तो स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर 9, सिंगल जीरो का स्क्वायर डबल जीरो, फिर 4 9 जा 36 और डबल जीरो, क्या लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्यूबॉइड के बारे में बताया गया है। सो लेट्स ड्रॉ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए एक रेक्टेंगल, फिर एक रेक्टेंगल, इन्हें ज्वाइंट कर दीजिए, तो ये तैयार हो गया आपका क्यूबॉइड। स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड मींस हिंदी में घनाभ। देखते हैं, इसके पास L, B और H होता है। कौन कौन से वैल्यू हमें पता है वो रिकॉर्ड करते हैं। हमें दिया हुआ है ब्रेथ 1.5 मीटर, ब्रेथ 1.5 मीटर एंड हाइट दिया हुआ है 1.15 मीटर, हाइट 1.15 मीटर, और हमें यहां पर लेंथ फाइंड आउट करके बताना है। तो कुछ हेल्प देंगे वो लोग, अगर इसमें कोई गायब रहेगा तो हेल्प देंगे। तो हेल्प दिया हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम 34.50, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मींस घनाभ का घनफल, घनाभ का घनफल दिया हुआ है 34.50। चलिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला रखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला है एल बी एच और वैल्यू है 3450। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का घनफल लिखा गया, फॉर्मूला एल बी एच और वैल्यू पहले से पता है 34.50। रखिए एल तो फाइंड करना है, बी है 1.5, एच है 1.15 इज इक्वल टू 34.50। चले आगे सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 15 225, टू कैरी, 15 वन जा 15 और 1 17, पॉइंट कहां लगेगा स्टूडेंट बताइए। टू डिजिट, वन डिजिट, थ्री डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, वहां पर क्या है 34.50। ओके सो एल इज इक्वल टू 34.50 डिवाइड बाय 1.725, करेक्ट। अब इसका पॉइंट हमें गायब करना है, तो पॉइंट गायब करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, यहां पर देखिए तीन कदम पीछे जाइए, ठीक से देखिए, एक दो तीन, पॉइंट थ्री डिजिट पीछे आएगा तो गायब हो जाएगा। इसमें भी थ्री डिजिट पीछे कीजिए, एग्जैक्टली थ्री डिजिट, तो वन टू, वन टू, तीसरा नहीं है तो जीरो लेकर थ्री कहेंगे, थ्री। तो इस तरह से लास्ट में पॉइंट आकर यहां भी गायब, तो यहां पॉइंट देखिए वन टू थ्री, फाइव के बाद आकर गायब, यहां पर वन टू, तीसरा नहीं था तो जीरो लगाकर, जीरो के बाद में थ्री आकर गायब। ठीक है, तो ये हमने ऊपर नीचे थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया या फिर पॉइंट सेट किया। ओके चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये डायरेक्टली डबल है, 17 का डबल 34 होता है और 25 का डबल 50 होता है, तो अगर आप कट करोगे इसे तो ऊपर 2 बचेगा और एक 0, मींस L इज इक्वल टू यू आर गेटिंग 20, दैट वे फाइनल आंसर भी आठ। फाइनल आंसर लेंथ मींस लंबाई वी गॉट 20, यहां मीटर दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, मीटर, 20 मीटर। ओके तो इस तरह से आज पांच क्वेश्चन हमने काफी अच्छे और नए बोर्ड पर देखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके okay?